Chapter 7 phrases get set go. Underline the adjective phrases in the following sentences. My father is a man of few words. Okay, यहाँ पे sentences दिए हुए जो कि adjective phrases है उसको हमें underline करना है. Let's learn phrases. A phrase is a small group of words that adds meaning to a sentence. Phrase क्या है? Meaning of okay sentences है. Okay, तो ये क्या करता है? Sentence को complete करता है. कुछ groups of words होते हैं. फ्रेस कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. अ फ्रेस इज नॉट अ सेंटेंस और अ क्लोज बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आइडिया विद अ सब्जेक्ट वर्ब एंड अ प्रेडिकेट. ओके, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते क्योंकि उसका कोई कंप्लीट आइडिया नहीं होता, ना ही सब्जेक्ट के साथ, ना ही वर्ब के साथ, ना ही प्रेडिकेट के साथ. इन कॉमन यूज ऑफ फ्रेस इज अंडरस्टूड टू बी एन इडियम. यूफेमिज्म इज सेइंग अ प्रोवर्ब, अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन और फिगर ऑफ स्पीच. बट इन ग्रामर अ फ्रेस हैज़ अ स्पेशल स्टेटस एंड मीनिंग. लेकिन ग्रामर के अंदर क्या है? इसका स्पेशल स्टेटस है और मीनिंग है किसका? फ्रेज का. लेकिन उसके अलावा उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं बनता. हम तभी समझ में आएगा तब उसके आगे कुछ इडियम्स होंगे, यूफेमिज्म होंगे, कुछ प्रोवर्ब होगा, कुछ अलग होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा. लेकिन अगर ग्रामर के अंदर फ्रेज आते हैं तो उसका स्पेशल स्टेटस है और मीनिंग है. अ फ्रेज फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिंटेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस ऑल्दो इट डज नॉट हैव एनी स्टैंड अलोन वैल्यू. फ्रेस एक्सप्रेस करते हैं एक सिंगल आइडिया और एक यूनिट होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. द लैंड ऑफ राइजिंग सन राइट, दिस इज अ फ्रेस. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. ओके, अप द हिल ये फ्रेस है. हियर द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड अप द हिल आर फ्रेसेस. दे मीन समथिंग बट डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ओके, उनका अपना मतलब तो है लेकिन वो कंप्लीट सेंस में नहीं है. एज इन नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. ओके, उसके अंदर वो कंप्लीट सेंटेंस अभी नहीं है. जब तक हम उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करते तब तक वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है. क्या? फ्रेसेस. ओके, ऑल्सो द 8 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेसेस आर नाउन. कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेसेस है जैसे कि नाउन, वर्ब, गैरंड, इन्फिनिटिव, अपॉजिटिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल एंड एब्सोल्यूट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फ्रेसेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ओनली. लेट्स लर्न noun phrase. A noun phrase includes a noun and its modifier. Noun phrase के अंदर noun भी होते हैं और modifiers भी होते हैं. It is a group of words that does the work of a noun. Group of words होते हैं जो कि noun के हिसाब से काम करते हैं. It answers the questions what and who. ये हमें question का answers देते हैं. कौन? Noun phrase. Okay? For example, the got at leaves. Okay? Common noun क्या है? Got है, leave है. Article क्या है? The. Verb क्या है? At. The god at leaves. The black god at all the tender leaves. In the above sentences, the addition of the modifiers transform the status of noun in the sentence. The words got and leaves in the first sentence are common nouns which get changed into black god and all tender leaves after the addition of the modifiers. As these are made out of nouns, these terms are called noun phrases. Moreover, in this example, it should also be noted that the adjectives like black or tender which are placed before the nouns have the status of just modifiers of the noun. ओके, यहाँ पे कुछ ब्लैक दिया हुआ है और टेंडर लीव्स के आगे टेंडर लगा दिया गया है और गॉड के आगे ब्लैक लगा दिया गया है. तो इसको हम क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे? मॉडिफायर कंसीडर करेंगे. एज दिस एडजेक्टिव्स आर नॉट हैविंग सेंट्रल डिटरमिनेंट पोजीशन इन द सेंटेंस, द फ्रेज विच इट इज अटैच विद एक्वायर इट्स नाउन माई नाउन विच हैज़ अ मेन पोजिशन. हैंस द फ्रेज विल बी कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 1. ओके, इन द सेंटेंस इज गिवन बिलो अंडरलाइन द नाउन फ्रेसेस. यहाँ पे नाउन फ्रेसेस को अंडरलाइन करना है. सॉरी, आई हैव नॉट चेंज द पेज. नाउ आई एम चेंजिंग. ओके, लेट्स लर्न एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. ओके, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की जगह पे काम करते हैं. इन एन एडजेक्टिव फ्रेज देयर इजंट एनी नाउन एंड देयरफॉर द एडजेक्टिव प्लेज द रोल ऑफ मेन वर्ड. ओके, एडजेक्टिव्स में कोई भी नाउन नहीं होता, वो अपना ही काम करते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज. दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस. नाउन फ्रेज. दे हैड अ हाउस विच वॉज ब्यूटीफुल. एडजेक्टिव फ्रेज. इन द फर्स्ट सेंटेंस ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड द टर्म्स इज ब्यूटीफुल हाउस इज अ नाउन फ्रेज एंड नॉट एन एडजेक्टिव फ्रेज. इन द सेकेंड सेंटेंस द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल इज रिप्लेस्ड बाई द नेक्स्ट ऑन द पेज group of words which are beautiful without changing the meaning of the sentence. There is no noun used in terms which was beautiful and an objective. Adjective beautiful has the main status that thus it is an adjective phrase. Here are some example of adjectives and adjective phrases. Adjective, a silver dish. Adjective phrase, a dish made of silver. A brown dog, a dog of brown color.
वन आईड मंकी, अ मंकी विथ वन आई. ओके, ऑल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेस. प्रैक्टिस टाइम टू, इन द सेंटेंस गिवन बिलो अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेसेस. हमें यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेसेस को अंडरलाइन करना है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स लर्न एडजेक्टिव फ्रेस. एन एडजेक्टिव फ्रेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन विच द मेन वर्ड इज एन एडवर्ब विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, एडजेक्टिव फ्रेस फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जिसके अंदर मेन वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, जो कि सेंटेंस को पार्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं. द टर्म इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेस. इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. इट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. फॉर एग्जांपल, अर्जुन रैन फास्ट. अर्जुन रैन विद ग्रेट स्पीड. इन द फर्स्ट सेंटेंस फास्ट इज एन एडवर्ब. इन द सेकेंड सेंटेंस द एडवर्ब फास्ट इज रिप्लेस्ड बाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ग्रेट स्पीड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का मीनिंग चेंज करे बिना होकर यहाँ पे हमने एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेस यहाँ पे कंप्लीट किया था. इट इज एन एडवर्ब फ्रेस. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेस. एडवर्ब रूडली, एडवर्ब फ्रेस इन अ रूड मैनर, केयरलेसली विदाउट एनी केयर. एडवर्ब एडवर्ब फ्रेस, होपफुली विद अ लॉट ऑफ होप, stealthily with caution in a stealthy manner, tenderly in a tender manner, softly with softness in a manner. Okay, all this is an adverb and adverb phrase. Next, kinds of adverb phrases. There are different kinds of adverb phrases of manner, adverb phrases of place, and adverb phrases of time. And adverb phrases of manner tells us how an action is done. एडवर्ब फ्रेसेस ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि एक्शन कैसे हुई. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कारपेंटर क्लोज द कैबिनेट विद द बैंग. उसने बैंग के साथ जोर से कारपेंटर ने कैबिनेट को क्लोज किया. शी क्रैक्ड द वैलनट विद अ हैमर. उसने हैमर से वैलनट को क्रैक्ट किया. तो यहाँ पे एक्शन हो रही है ना, एक्शन हो रही है, तो ये एडवर्ब फ्रेस ऑफ मैनर है. किस तरह से उसने किया है ना, उसने जोर से किया, उसने हैमर से किया, राइट. An adverb phrase of place tells us where an action is carried out. For example, adverb phrase of place में बताते हैं कि ये action कहाँ पे हुई है. This is examples. Children are playing in the garden. Elephants are found in Africa and India. An adverb phrase of time tells us when an action is carried out. Adverb phrase of time हमें बताते हैं कि action कब हुई. For example, I saw him in the morning. This will take a few minutes. Practice time 3. In the sentence given below, underline the adverb phrases. हमें यहाँ पे adverb phrases को underline करना है. Next. Let's do more. In the sentences given below, underline the phrases and identify them as adjective, noun or adverb phrases. Okay, हमें underline करना है यहाँ पे और उसे identify करना है कि वो adjective है, noun है या फिर adverb phrases है. Okay, next, B, write the adjective form of the highlighted adjective phrases in the given sentences. Okay, you have all you have to do, examples and exercises, practices, okay? So your chapter is finished.